मेहंदी वाली कहीं दिख नहीं रही है, कुछ पता है क्या तुम्हें? नो नानी, आई डोंट नो, हो सकता है वॉशिंग वाले रूम से ही हो। वो नानी जी हमको लगता है भाग गई। अरे ऐसे कहाँ गायब हो जाएगी, चन्नी को मेहंदी कौन लगाएगा? अरे तुझे आता है मेहंदी लगाना? नानी वो क्या है ना, हम अभी तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कसम खा के कह रही बात। ठीक है लगा मेहंदी। अच्छा जय नानी आपके लिए। अरे हम आप इससे कहा है मेहंदी लगवा रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। हम इतने बुरे भी नहीं है। हाँ तो ठीक है मेहंदी लगाओ तुम, है बढ़िया से लगाओ एकदम डिजाइन वाली, और क्या है हमारा नाम आना चाहिए हमारी दुल्हन के हाथ में, बनाओ हम देखें। पगला गई होगा है, कहाँ जाना इतनी रात को? और ये जो तुम कर रही हो ना, ये पांचों लोगों के नाम लिखवा लिए हाथों में उसका था। अगर हमने अपने बॉयफ्रेंड्स के नाम लिखवा लिए तो इसमें गलत है? आपको क्या प्रॉब्लम? बॉयफ्रेंड नहीं है वो तुम्हारे, समझी? और चलती होने वाली पत्नी हमारी, और बाहर कहीं जाओगी तुम? लिख दिया ना, हमको भी देखना है, हमारा हक बनता है। अरे अभी शादी से पहले नहीं अमित, वो देखना अपशगुन होता है। मेहंदी वाली गायब नहीं हुई है, उसे गायब किया गया है। जो हमने किया है, सो जैसे कि हमने कहा था आप लोगों से पहले भी, जैसे अब दो दिन पहले जब आए थे, कि ये जो होने वाला है ये पूरी शादी में हम बहुत सारी गड़बड़ी करने वाले हैं। जैसे आपने रिकॉल किया था हल्दी में हमने पॉटी मिला ली थी ताकि वो हल्दी का रस्म ना हो पाए। मेहंदी में भी हमने कोशिश की थी, हमने सारी मेहंदी में ऑयल डाल दिया था, कोकोनट ऑयल मिला दिया था ताकि अब हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि अब हम करें तो क्या करें। तो रानी ने बेवकूफ़ बना दिया मेहंदी वाली को, और उन्होंने अब मैं सबको बता दूंगी कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे किया है वरना मेरा नाम ख़राब होगा, मैं मैं सब जगह जाती हूँ मेहंदी लगाने, फिर कोई मुझसे मेहंदी नहीं लगवाएगा एंड ऑल दैट। तो फिर मैं तो उसे समझाने की कोशिश करी थी, मैं उसके पैर भी पड़ी, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन जब वो नहीं सुन रही थी तो फाइनली जो हमारी रानी भाभी, उन्होंने कोकोनट ठाप करके फोड़ दिया उनके सर पर और वो हो गई बेहोश। अब वो तो फिर भी ठीक था वहाँ तक, लेकिन उसे कन्विंस करे तो रानी ने कहा उन्हें कि देखिए भैया अभी पहले हमारी मदद कर दीजिए इन्हें छुपाने में, फिर हम आपको बताते कि क्या करें। फिर उसके बाद हमने नंदू को कन्विंस कैसे किया वो आपको देखना पड़ेगा।